टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हम कुछ कुछ कर रहे हैं। हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में दे रखा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे हो आप लोग, जो भी क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो उसके साथ में लिख लो 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। और अपना नंबर कौन सा चल रहा है? 23। क्वेश्चन 23 में लिख लो 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। रेडियस 21 सेंटीमीटर, एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें हमें तीन चीजें फाइंड करनी है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, सेकेंड पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर, एंड थर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है, मैं इसलिए सिर्फ वैल्यूज लिखवा के आगे बढ़ रहे हो कि हमें जो सॉल्व करने के लिए चाहिए उतना हमारे लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 12.2 का ही। अ कॉर्ड एबी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस 15 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल थीटा दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। इसमें बोला है पाई 3.14 लेना है और रूट 3 1.73 लेना है, कर दिया है उन लोगों ने। टेक रूट 3 इज इक्वल टू 1.73। अभी अपन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो वैल्यूज में बताते जाऊंगे आपको, फॉर्मूले में बस पुट अप करना समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं हम टेक्स्ट बुक का ही। रेडियस 12 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, थीटा 120 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। मतलब ये 120 डिग्री से जो सेगमेंट बन रहा है उसका एरिया हमें ढूंढना है। पाई 3.14, रूट 3 1.73। उसके बाद हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक्चुअली 7 बड़ा है एमसीक्यू के हिसाब से, मैं उसको अभी जस्टिफाई नहीं कर रही 7th वाले को, क्योंकि आपको एमसीक्यू की तैयारी करनी है। 7th वाला मैं नहीं करवा रहे हूँ। 8th वाला हमने जो हॉर्स वाला किया था कि एक कोने पे हॉर्स को टाई कर रखा है, वो कितना ग्रेस करेगा नहीं करेगा, उससे रिलेटेड वाला ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो वो भी नहीं करा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन पहले सुन लो। अ ब्रश इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। एक ब्रश बनाया है जो सर्कल वाले शेप का है। वैल्यूज दी है, डायमीटर लिख लो, डायमीटर 35 मिलीमीटर, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। लिखिए क्वेश्चन ही लिख लो। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स।
क्या करा हमने, सिल्वर वायर लिया और उससे पहले ब्रश बनाया, वो ब्रश सर्कल है उसका डायमीटर हमें दे रखा है। दूसरा और वायर लिया हम लोगों ने और उससे इसी सर्कल के ये जो ब्रश है डिजाइनिंग करनी पड़ेगी ना, तो इस तरह से डिजाइनिंग करी कि इसके अंदर टोटल 10 पार्ट्स हो जाए, मेरे नहीं हुए हैं, टोटल 10 पार्ट्स हो जाए, इतना वायर हमने इसके अंदर और लगाया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड टोटल लेंथ ऑफ द वायर। सर्कल बनाने में और ये बनाने में टोटल कितना वायर यूज हुआ, क्या बनाने में, सर्कल बनाने में और ये 10 पार्ट्स बनाने में कितना वायर यूज हुआ, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड इज एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ऑफ द ब्रश नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 टेक्स्टबुक का, अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, अब यू तो अम्ब्रेला ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा जो डिजाइनिंग है ऐसा, लेकिन उन्होंने बोला है कि आप अज्यूम कर लीजिए कि अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, क्या अज्यूम करना है, अम्ब्रेला जो है वो सर्क्यूलर फॉर्म में है, बोले ऐसे मत देखो, बीच का पार्ट देख लो, सर्क्यूलर फॉर्म आपको नजर आ जाएगा। ऑफ रेडियस, इसका हमें रेडियस दिया है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, टोटल कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा एक पार्ट हुआ है ना। उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, टू कॉन्सिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाली ये जो दो रिब्स हैं, इनके बीच का एरिया ढूंढ कर दो। क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि एक के बाद एक कॉन्सिक्यूटिव जो दो रिब्स आ रही है उनके बीच का एरिया अपने को ढूंढ कर देना है। चलिए यहां तक अपन स्टार्ट करेंगे अभी, चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 या टेक्स्टबुक का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या करना है अपने को। अपने को दे रखा है रेडियस 21 सेंटीमीटर और एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, 60 अपॉन 360 इनटू 2 इनटू 22 बाय 7 इनटू 21, जो भी आपका आंसर आ रहा है कितना आया, ओके इट इज 22 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ आर्क आ गया। सेकेंड है हमारे लिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 60 डिग्री अपॉन 360 इनटू 22 बाय 7 इनटू 21 इनटू 21, हां आंसर आ गया आप लोगों का 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो पार्ट हो गए, थर्ड पार्ट आपसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। एक्चुअली एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, सेगमेंट किसे बोलते हैं, जिन लोगों को नहीं याद है वो लोग ये हमारे पास में सेक्टर हो गया, सर्कल में से किसमें से माइनस करना है, सेक्टर माइनस ये जो पार्ट है ये कहलाता है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये हो गया सेक्टर। उसके बाद में हम लोग इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये जो बीच का पार्ट हमें मिला दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंट।
तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये तो हमने अभी ढूंढ लिया 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कहां से ढूंढोगे? तो हाँ, अरे मुझे पता है मैंने फॉर्मूला लिखा है, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला पुट अप करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट का। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हमने बोला बाहर निकाल दो आर स्क्वायर। हाँ अब बोलो फॉर्मूला है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 2 साइन थीटा। तो आर स्क्वायर विल बी 21 का स्क्वायर 60 अपॉन 360 इनटू 22 बाय 7 माइनस हाफ साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज 23 बाय 2। तो अब आपके पास पूरा हो जाएगा 21 इनटू 21 यहाँ पर 60 अपॉन 360 इंटू 22 बाय 7 माइनस हाफ रूट बाय 2। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तब हमें मिलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। फाइनल आंसर इज 40.05, मैं लिख रहा हूँ आप कैलकुलेशन बाद में कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी का ये पार्ट रहे कि नहीं नहीं मैम हमें ये वाला पार्ट तो नहीं करना क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर तो हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, हम क्यों ये दोबारा मेहनत करें और इतना सारा करें, आपको नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर की जगह आप लिखेंगे 231 जो अपन ने यहाँ पर ढूंढा है वो वाला, माइनस हाफ, क्या लिखा था अपन ने फॉर्मूला, हाफ साइन थीटा, और ये आर स्क्वायर अपन ने कॉमन भी निकाला है, मतलब वहां अंदर क्या प्रेजेंट है, हाफ साइन थीटा। तो जिसको पूरा कैलकुलेट ना करना हो वो सिर्फ ये करिए कि 231 माइनस, प्लीज माइनस के लिए इनको ब्रैकेट्स लगा लीजिए, अदरवाइज किसी भी चीज को आप किसी से भी माइनस कर देंगे, हाफ आर स्क्वायर 21 इंटू साइन 60 इज रूट 3 बाय 2। तो आपको ऐसा करना है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, मनाही नहीं। आंसर इज 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, कॉर्ड एबी ऑफ रेडियस कितना, रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, एंगल 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब पहले तो समझ में आया कि माइनर और मेजर क्या, सेम अपन ने सर्कल लिया, ये अपन ने 60 डिग्री के हिसाब से सेंटर को 60 डिग्री हो गया, ए और बी ले लिया, ये पार्ट अपन ने कर दिया। सेम चीज एरिया ऑफ ये क्या कहलाएगा, पूरा इस कहलाएगा सेक्टर, पूरा ये वाला ओ ए बी ये कहलाएगा सेक्टर। इसमें से ट्राइंगल को माइनस किया तो ये जो हिस्सा हमारे पास बचा दिस इज कॉल्ड एज माइनर सेगमेंट, हाइट इज कॉल्ड एज सेगमेंट, लेकिन एंगल 60 डिग्री है तो इसे हम लोग नाम देंगे माइनर सेगमेंट। अब जो बचा हुआ है उसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एक बार 60 डिग्री लेकर और इसको ढूंढे, फिर एक बार 300 ले, क्योंकि 360 माइनस 60 इज 300, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उससे बेटर ऑप्शन है कि पहले हम लोग माइनर सेगमेंट ढूंढ लें और उसके बाद में हम क्या करें, एरिया ऑफ सर्कल माइनस दिस विल बी इक्वल टू मेजर सेगमेंट।